सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों के लिए आज 15वां दिन शुरू हो गया है। अब मैनुअल ड्रिलिंग को ही ऑप्शन माना जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ वर्टिकल ड्रिलिंग पर भी पूरा जोर है। मैनुअल ड्रिलिंग के लिए आर्मी को इन्वॉल्व कर लिया गया है, जो आप देख भी सकते हैं कि आर्मी के ट्रक्स आपको नजर आ रहे हैं। मद्रास सैपर जो रेजिमेंट यहाँ पर है वो इस काम में लग रही है, और मैनुअल ड्रिलिंग में सिविलियंस के साथ मिलकर जो कि 20 लोगों की एक टीम है जो कि एक्सपर्टाइज करती है ऐसे ड्रिलिंग्स को लेकर, वो तमाम लोग जो है वो ड्रिलिंग करेंगे। या आर्मी का फोर्टन फिलहाल आप देख रहे हैं, और ये यहाँ पर अब जो आर्मी की एक्टिवनेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में मौसम खलल डाल सकता है। मौसम की अगर बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि 26 से लेकर 28 नवंबर तक यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, बारिश हो सकती है, और ऐसे में अगर बारिश होती है तो रेस्क्यू ऑपरेशन पे फर्क पड़ेगा। फिलहाल आप देख रहे हैं कि एक तरफ बादल बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं, आसमान साफ नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो हल्के हल्के बादल जो हैं वो ऊपर की तरफ आ रहे हैं, यानी कि आज कल और परसों बादल बने रहने की संभावना है। ऐसे में बारिश हो सकती है, स्नोफॉल तक हो सकती है, क्योंकि ये एरिया ऐसा है जहाँ पर स्नोफॉल होती आई है। बारिश होने की वजह से जो ऑपरेशन है उनमें बहुत फर्क पड़ेगा, खासतौर पर वो ऑपरेशन जो ऊपर वर्टिकल में चल रहा है, क्योंकि वो बाहरी सतह से चल रहा है। ऐसे में बारिश आने की वजह से वहाँ पर काम रोकना पड़ेगा, और क्योंकि ड्रिलिंग करने के दौरान पानी अंदर ना जाए, पानी सीपे ना, तो वो उसका बहुत ध्यान रखना होता है। ऐसे में बारिश होगी तो ऊपर का ऑप्शन पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। हालांकि माना यही जा रहा है जो सिलक्यारा टनल के मुहाने से ऑपरेशन चल रहा है उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी कि मैनुअल ड्रिलिंग जो है वो होती रहेगी, पर ऊपर जो ऑपरेशन वर्टिकल चल रहा है या बाहरी जो भी जो उस पॉइंट की बात करें या लेफ्ट हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की बात करें, राइट हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की बात करें, उन पर उसका फर्क पड़ेगा, बारिश का फर्क पड़ेगा, वो पूरी तरीके से प्रभावित होंगे, लेकिन मैनुअल ड्रिलिंग वाला जो मेथड है वो प्रभावित नहीं होगा। ऐसे में 5 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस बारिश के चलते प्रभावित होंगे, बंद तक हो सकते हैं। ऐसे में जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर 15 दिनों से फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालने के लिए जो रेस्क्यू टीम्स 15 दिनों से काम कर रही है उनके लिए ये कहीं ना कहीं हतोत्साहित करने वाला कदम होगा। अगर बारिश होती है तो काम पर भी इसका बहुत असर देखने को मिल सकता है। कैमरा पर्सन नसीर सिंह के साथ प्रियंका कांटवा, न्यूज़ 18 इंडिया, उत्तरकाशी।